मध्य प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 82 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने नक्सली की पत्नी को भी पकड़ा है। नक्सली का नाम अशोक उर्फ बलदेव है, जो कि गोलकुंज तेलंगाना का निवासी है। बताया जाता है कि एटीएस की टीम को जानकारी मिली थी कि मंडला जबलपुर क्षेत्र में नक्सलियों के वरिष्ठ कैडर आ रहे हैं, जिसके बाद एटीएस की टीम ने त्वरित कार्रवाई की और नक्सल दंपत्ति को गिरफ्तार किया। एटीएस की गिरफ्त में आए नक्सली अशोक रेड्डी उर्फ बलदेव प्रतिबंधित संगठन सीपीआई की स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य बताया जा रहा है। अशोक की पत्नी रेमती उर्फ कुमारी पोटाई उत्तर बस्तर क्षेत्र में सक्रिय थी। नक्सली अशोक रेड्डी के विरुद्ध तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में मुख्य रूप से 60 से अधिक मामले पंजीबद्ध हैं। इसके विरुद्ध 4 राज्यों ने 82 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। एमपीएटीएस ने नक्सली दंपत्ति से एक पिस्टल, कारतूस, 3 लाख रुपए और कुछ साहित्य बरामद किए हैं। एटीएस अब इनसे जुड़े अन्य नेटवर्क एवं मॉड्यूल का पता लगा रही है।